तो फिलहाल अभी हमारे साथ में उषकत मौर्या जी हैं, जो कि ऊंचाहार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्या के सुपुत्र जी हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जो हर साल परियामा के इस धरती पर होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मौर्य वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हर वर्ष यहाँ पर एक सामूहिक विवाह होता है जी, जो एक समाज में एक अलग मैसेज देता है और जो दबे कुचले लोग हैं उनको एक आगे बढ़ाकर अपने अपने सोसाइटी के माध्यम से इन लोगों को खड़ा बनकर आगे आ रहा है। ऐसे सोसाइटी के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि आप लोग इसी तरह के निरंतर आगे काम करते रहें। हम लोगों से जो भी सहयोग बनेगा हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे जी। युवा कई सारे जानना चाहते हैं, क्या इस बार आप संसदीय के चुनाव में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? अभी तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा हम लोगों के हाथ में। अच्छा, एक सवाल सर, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्या का एक बयान आया है कि मतलब इस्तीफा दिया, उसके बारे में दो शब्द क्या कहेंगे आप? माननीय पिताजी ने अभी पद से इस्तीफा दिया है, ना कि समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है जी। और वो एक प्रेस नोट में भी पूरा डिटेल विस्तार पूर्वक लिखा है जी। पार्टी में अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, पद से इस्तीफा दिया है ना कि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।